और चचा, क्या हाल है आजकल? मेरे पास कोई माल नहीं है, पूरिया है, बोलो तो मैं दूँ। ऐसे तुम कब से पूरिया खाने लगे? तुम्हारे बाप से कहना पड़ेगा। अरे चचा, मैं पूरिया नहीं मांग रहा, मैं पूछ रहा हूँ क्या हाल है। खाल? किसकी खाल निकालनी है, बोलो तो मैं चलूं। अरे चचा, मैं पूछ रहा हूँ क्या हाल है। यही कारण है चाची आपकी पिटाई करती है। सुताई? अरे बेटा, दिन भर सुताई होगा तो काम कब होगा, नहीं तो खाना कहाँ से मिलेगा। अरे कोई है, एक गिलास पानी दो भाई, ये भुका के गंगे बना देंगे। राम राम भैया, क्या चिल्ला रहे हो? अरे भाई, मैं चिल्ला कहाँ रहा हूँ, इनसे तो हाल चाल पूछ रहा हूँ। ऐसे पूछोगे तो ये नहीं बताएंगे अपना हाल चाल, देखो मैं पूछता हूँ। अरे चचा, क्या हाल है? हाल पूछ रहे हो, क्या बताऊँ क्या हाल है। सुबह से चाची डे गिलास चाय तक नहीं पूछा, सुबह से मुंह फुला के बैठी हैं। देखा, एक बार में समझ गए, उनसे सीधा पूछोगे तो नहीं सुनाई देता, उल्टा पूछो। बेटा इधर कैसे आना हुआ आज? इधर से जा रहा था, सोचा आपका हाल चाल पूछता चलूं। झूलता चलूं? अरे तेरे बाप ने कभी झूला देखा है? हाँ, झूला के झूलने आ गया, झूला तेरे यहाँ बाप लाया गया है क्या? चचा, ये पूछ रहा आपकी तबीयत कैसी है। तबीयत पूछ रहे हो, तबीयत का बताऊँ, बुढ़ापा आ गया और कम सुनाई देता है, लोग मेरा मजाक उड़ा के भाग जाते हैं। कल ही उसका बेटा, क्या नाम है भूल गया, भला मुझे मिर्जापुर वाला चचा बोल के भाग गया। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ना मैं कहीं मिर्जापुर गया, ना मैं मिर्जापुर से हूँ, ना कोई यूपी से लेना देना, फिर भी मुझे ही मिर्जापुर वाला चचा बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये आखिर माजरा क्या है। मिर्जापुर वाला चचा, ये कौन सी वाला है? मिर्जापुर वाले चचा को नहीं जानते, रुको मैं दिखाता हूँ मिर्जापुर वाला चचा क्या है। चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा, देखा आजकल कोई सीधा नहीं बोलता। तुम गाली भी देना चाहते हो, ऐसा बोलो कि तुम गाली भी दे दो और सामने वाले को समझ में ना आए। और बताओ, सब ठीक है ना? हाँ, सब कठिन है। घट रहा है? क्या घट रहा है? कुछ नहीं चचा, वो कह रहा है आपकी ज़िंदगी कट रही है ना मज़े में। एकदम में चूटिया हो क्या? इस मौसम में क्या कटता है? यह धान की बुआई का मौसम है, कटाई का नहीं। वो कह रहा है ज़िंदगी कट रही है आपकी, ज़िंदगी ज़िंदगी की माँ को नमन। कट रहा है? कटी रहा है, क्या करे आखिर, यही ज़िंदगी है। अच्छा चचा, ये बताओ आपके बच्चे कहाँ हैं? कच्छा? अरे बेटा, पांच पांच कच्छे हैं मेरे पास, एक तो पहन रखा है, एक नहाया तो पसार रखा है, दूसरा इमरजेंसी के लिए एक रख रखा है, और दो नए हैं। सोच रहा हूँ कि ससुराल ही जाऊँगा तो ये पहन के जाऊँगा। ऐसे बोले ससुराल के अच्छा दिखाने ही जाएंगे। क्या बोल रहे हो बेटा, जोर से बोलो, मुझे सुनाई कम देता है, जोर से। अरे चचा, कच्छा दिखा नहीं ससुराल ही जाओगे क्या, यही सोच रखा है? हाँ बेटा, मैं सोच रहा हूँ जो सोनुआ का ससुराल है ना,
उसकी सास बड़ी कमसिन कली है, रोज सपने में आती है, मस्त न कलंदर है, सोच रहा हूँ वही पहन के कच्छा जाऊंगा वहाँ एक दिन। देखना चचा कच्छा पीला ना हो जाए कहीं उसे देख के। हाँ बेटा यही मिलने का बहुत मन कर रहा है। चचा का था कान का पूरा चदरा हिला पड़ा है। देखना चचा आपकी बीवी ना गुस्सा हो जाए। दीदी ऐसा कान में मारूंगा ना ठान के नीचे जाकर गिरोगे। मैं उसे अपनी बीवी बनाने के चक्कर में हूँ और तुम मुझे डीटी बना रहे हो, बहन बना रहे हो उसे मेरी। साले चले जाओ यहाँ से, नहीं इतना मार मारूंगा ना कि सात पुश्ते तुम्हारी मरी हुई पैदा होगी। सोच लो साले जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, भागो यहाँ से जल्दी। अरे शांत हो जाओ चचा शांत, नहीं तो आवाज के साथ प्राण पखेरु भी उड़ जाएंगे। भगेरू? अरे अपने अंदर झांक लो, भगेरू किसे कह रहे हो? तुम्हारा बाप भगेरू था, तुम्हारे चचा भगेरू थे, और टोर तुम्हारा जो दादा था ना वो तो भगेरुओं का बाप था। वो तो मेरे कभी चप्पल लेके भाग जाता था, कभी टिफिन लेके भाग जाता था, उसे क्या कहूँ मैं, कभी कुछ लेके भागता था, मेरे घर आता था ना तो लेके भागने के ही चक्कर में रहता था। ऐसे में तो मंदिर से चप्पल उठा लाता था, उसे भी वो नहीं छोड़ता था, लेके भाग जाता था कमीना कहीं का। थोड़ी तो शर्म कर लो, मंदिर से चप्पल उठा के लाते थे और मेरे दादा को नाम लगा रहे हो। इनकी यही आदत है, चलो नहीं तो और क्या क्या बोल देंगे। ठीक है चचा अब हम जा रहे हैं। आ रहे हो? और कितना हो गए, एक घंटे से तो यहाँ रखे हो तुम। जा रहे हैं चचा, कब से कह रहा हूँ जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हो, ठीक है जाओ, क्या मैं रोकूँ, मैंने सोचा कुछ देर और रहोगे। नहीं चचा बहुत सम्मान हो गया, आप जाने दो। अजब मजाक करते हो तुम, आम तो तुम लाए नहीं और कह रहे हो खा लेना, गजब बेइज्जती है हमारी।